आप सभी दगड़ियों को मेरा प्यार भरो नमस्कार। और मिच देवभूमि उत्तराखंड का इन खूबसूरत पहाड़ों बेटिन, तो आज का ये नया ब्लॉग में आप सबको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दूँ। आजकल का ये ब्लॉग में आप लोगों के बीच में गढ़वाली बोली और जो हमारी पहाड़ की बोली च वो मैं लिख के मैं आने, और उम्मीद कर दूँ कि आप तें ये ब्लॉग काफ़ी पसंद हो अपनी बोली में अपनी भाषा में। और आज 2-3 दिन बाद ना मौसम खुली थोड़ा सा, तो अभी पूर्णों का हाल आप लोग देखना होला। और झंगोरा का जो खेत ना वो काफ़ी झंगोरा ची, लेकिन बारिश का कारण झंगोरा सा थोड़ा सा आपने देखने मिल कि अब झंगोरा भी लगभग अब तैयार होगी। तो अभी दगड़ियों में जाने भाई पूर्णा, अभी चाची जी चले गए सेटिक पूर्णा में सेटी लौन तें, क्योंकि पिछला 2-3 दिन बटेन तो बहुत बरखा होनी चाहिए पहाड़ों में, तो आज थोड़ा सा घाम लगी और सेटी पूड़ा भी थोड़ा बहुत सूखेगा भी। तो अब हम लोग पूड़ा जाके सेटी कटाई करो है ना, घासी घास आपने दिखने होनी, और एक घासा के बीच में बटर होने एक पतला सा पगडंडी, और यू वो गाँव भाई हमारे गाँव। और चाची जी पार वक में जाए साटी लौने थे, और आप घाम देखना बोल हल्का हल्का घाम लगी, अभी कौ घाम लगी आज। तो दगड़ो ये तरफ देखा आप पूरा साटी पूड़ा च, और इन पूड़ों में कुछ एक आध पूड़ों में थोड़ा बहुत कटाई हुई, और यकमा आप देखने वाला ये देखा यकमा कुनिका भी लगाई एक साटी कुनिका। दगड़ो में आपने देखो तो यूज भाई हमारे गाँव को जो प्राथमिक विद्यालय च, तो यकमुच हमारे गाँव को प्राथमिक विद्यालय ये आप देखा। तो यूच भाई हमारे गांव को प्राथमिक विद्यालय असीर सिमली क्षेत्र में नारायणबगड़ विकास खंड का भीतर ये देखा हमारे गांव अंकोली सनार आप देखने हो लेकिन, तो ये प्राथमिक विद्यालय च। और आज छुट्टी चक में संडे वजह से, और ये तरफ देखा भाई यू गाँव च अंगतोली गाँव, और देखा कहते खूबसूरत गाँव ची साइड दिखने वाल। और ये तरफ देखा आप पूरा सेटी के पूर्ण ना ज़्यादा बरखा कारण थोड़ा सा अभी हरियाँ भी हुई, और कुछ जो धान ची वो पूरा का पूरा पूर्ण में लटकी गए। तो ये भाई अंगतोली गाँव, और यकमुच प्राथमिक विद्यालय अंगतोली सेनार, और वे साइड से हमारे गांव मतलब मेरे गांव सेनार आप पार देखने वाला। और यकमुच भाई हमारे गांव की जो पंचायत घर से वो पंचायत घर आप देख सकना कि यकमुच प्राथमिक विद्यालय बगल में पंचायत घर, और स्थिति आप देख सकन कि कनहोल सरकारी बिल्डिंग है। ये देखा भाई मैं पहुँचेगा बस सेटी पूड़ा में, और चाची झील थोड़ा बहुत सेटी कटाई भी करिए लेकिन कन है सेटी बार करना है। हाँ। तो पहले खा जी सात पूरी खाए तब यो यो। और ये बार आप देख सकन भाई सैटी भी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं होला दिखने होला आपते, बहुत कम लगे लेकिन। और एक बार और पार वक्त तक जो पूर्ण ये पूरी कटाई कन। तो भाई यू और डंडा ना या सुअर भगोने लगाई थी यख में ना, क्योंकि पूर्ण पूर्ण में सुअर ने तो ये भगोने सुअर भगोने यू डंडा लगाए रन। ये बात क्या करनी तो भाई मैं भी सीखूँ कि पूर्ण में सेटी लवाई कन के करना, क्योंकि हम ज़्यादा काम इन करी नहीं है ना। अच्छा तो फिर यू घास रन तो घास भी निकाल अपन।
और फिर यानि के जो ये घास रन ना, ये घास हम हटे देने में तो दगड़ियों अभी हम यख बटेन और पार वखम तक सेठी कटाई करेल और अभी दिन का लगभग 12:15 भी बजी गए तो अब थोड़ा सा भूख जान लगने में होना तो क्या पता मैं देखो ये कट्टा उन क्या पता कुछ लेके आया हलूँ शायद। तो ये देख रहा भाई पूड़ा में काखड़ी खाने का जो मजा है ना वो कई गुना बढ़ जान। तो अब ये काखड़ी का अब चटपटाई हम कने यख में बरखा भी आने दगले आए फिर से आसमान ना भाई अब यख मो लगने भाई कुनी का जत्ती भी सेट छोटी छोटी आप ये अंगवाओ दिखने वाला ये ने अब हम यख मो हुई एक ये तरीका से एक मुकुनी का लगाई जोन ये कुछ दिन ही रखे जोन और फिर भी एक बार सेटी जब पक्के तैयार बन 3 या 5 या 7 या 9 रात में तो अधिकतर लोग 3 और 5 रात में सेटी मंडाई कन क्योंकि वे टाइम तक सेटी एक मुँह रख के पक्के तैयार हो जान। तो ये लोगों अभी भाई एक बहुत बढ़िया सिस्टम रोन न्यू तो नहीं होनी अभी लाने लेकिन एक क्रम से यू लगाई जोन कि जैसे जब दूसरे दिन मंडाई कौन यख में पूर्ण मान ना तो वो माँ कोई दिक्कत ना हो और बढ़िया से सेटी पक के भी तैयार हो और वे मंडाई अच्छा अच्छे से भी हो जाए। तो ये देखा अभी और मौसम तो दोबारा से ख़राब हो जाए भाई अभी यख और ये तरीका से सारा सेटी होगी जो अंगवाओ छोटी छोटी वो ये मैं रख के और फिर सबको जो गिच्चा च ना बाल हैं बालड़ा चो वो एक साइड रखे जान तरीका से पूरा यो एक गोल वो से बन यन के पूरा पहाड़ों में अधिकतर क्षेत्रों में यू ही तकनीक अपनाई जान। तो चलो भाई दुई यख में दुई कुन कर लेगा यो हथ लगे यो हथ लगे तो अब एक बात ये ढकोने क्या बड़ा ढूंग चेन तो दीवार में गाड़ो दी और बाकी यो सेटी भाई अभी हरे हुए हैं तो ये नहीं सेटी बन हम पढ़ाया सड़े ना क्या बोलो पढ़े रही हो ये बाद में कुछ दिनों बाद यो तैयार हो तो तब ये कटाई हुई और जो यख में कुनिका लगायो तो यो 4-5-5-7 रात मतलब 5 दिन बाद या 6 रात बाद ये मंडाई हुई तब तक यो कुनिका लगेगा यो पैक जान बढ़िया के। तो अब कुनिका में भाई जो ये पराई रहे ना यो एक्स्ट्रा घास रन सेटियों पे तो यो ये घास है अभी यो ढकी जान और फिर ये घुमाते हुए जो ढूंगा में अभी लिहाई वक्त में रखे हूँ 4 ढूंगा तो वो ढूंगे में अब बढ़िया करके ये दबाई जो कि जैसे सुअर या जो सेटी है ना वो मैं वेट पड़ा तो वो एक गर्माहट बहर नहीं निकलो चाहिए फिर सेटी एक भीतर बढ़िया से पैक जान। दगड़ियों यकमो यू लगे हम कुन का और ये दिखा आप लोग और ये बल्तर पल्तर पे यूँ हमारे टाट लगाए हैं क्योंकि रात में एक ना सुअर होने और सुअर पूरा इन चीज़ों उदाहरण के खराब पड़े और यक बटिन और पार वक्त तक से हम पोण तो अद पोण हम लयल और थोड़ा सा वक्मा और भी रही वो बाद में लो लो क्योंकि वो अभी हरे हुए सेटी ना। तो आप चलन भाई यो अभी घोरे की तरफ अभी मैं पहुँची गई हमारे गाँव में जकमा कीवे का बगीचा लगने चाहिए तो मेरा पिछना आप देख सकन तो पूरा कीवी की खेती हुई तो मैं आपने दिखूँ भाई
क्योंकि ये फरवरी में यूँ डाव लगे तो आजकल अपडेट के और कनमना यूँ हुआ वेग में आपते हैं एक छोटी सी क्लिप दिखुन और ये आप देखा एक मो तो ये देखो कीवी की जो पौध ना काफ़ी ज़्यादा हाइट हुएगी लगभग 6 फीट से ज़्यादा हाइट हुएगी और एक माँ आप दिखन क्योंकि कीवी के डावते हैं सपोर्ट है जरूरत तो एक मोनो कट कर ची 6 फीट पे तो ये एक बेल देखा एक जो ब्रांच च यो पिछना तरफ भी और एक ब्रांच हुएगी ये साइड भी निकलेगी तो आप देख सकन और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करी इन डाउन और ये एक मो देखा तो एक मो शायद वही जड़ पे पानी रुकने हल तो उन्होंने एक मो नाली बना के वो पानी सप्लाई करी तो दगड़ियों हमारा पहाड़ में धीरे धीरे रोजगार का नया नया क्षेत्र लोग तलाशने से और ये बहुत भली बात भी चुकी लोग अपना कोई ना कोई रोजगार करने की सोचने और जेते गांव का लोगों से भी रोजगार मिलल और लोग अपनी बढ़िया से कुछ ना कुछ धंधा करके थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकन तो ये चु भाई कीवी की बगीचा क्यों मैं अकबे अब तक आप देखो कि यो से लेकर ये पूर्णमो यो 1, 2, 3, 4 और 5 तो 5 पूर्णमा ये बढ़िया से कीवी की खेती ये साल भी हमारे गाँव में भी शुरू होगी। तो चलो भाई दगड़ियो हम पहुँचेगा बॉडी का घर है बॉडी बॉडी का घर पहुँचेगा हम और ये तरफ हम देखो कि क्या कैसा आज बॉडी वक है बॉडी और बॉडी ये तरफ ना छक करेला कड़वा करेला है बॉडी लेगुल तो हुई लगा छे करेला भी लगे होल भाई ना सब खेल उन्होंने ये देखो भाई करेला तो लगे थे टमाटर तो बहुत ज़्यादा लगे हैं बॉडी जो घोरा टमाटर हो ना ये देखो बॉडी घर में छक टमाटर लगाए बॉडी ये जो छर टमाटर हो ना और ये देखो भाई अब पहुँचे हम बॉडी घर में कोई नहीं बॉडी हो अभी यो घर में कोई नहीं भाई ये देखा भाई हमारा भैजी का बाखरा भी पहुँचेगा देख लाइन पे देखा सबसे आगे ना भाई युवा कठाव लगी और ये देखा क्या दनकनी भाई गजब 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 और ये देखा बाखरों की टोली देखा भाई बाखरा भी आगे और मैं देख के ना हूँ डरी थोड़ा सा आजा भाई आजा आजा शाबाश 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 ये देखिए भाई भाई साहब के बकरियाँ और ये पहुँच गए हमारे भाई साहब ये देखिए भाई भाई साहब की बकरियाँ पहुँच गई हैं और भाई साहब के पास लगभग 20-25 बकरियां हैं भाई यूँ पैंट नहीं पहना वो बोण और उनका कमरा उस तरफ है भाई ये भाई भैजी की बाखर है और ये लेगो फिर ढक्कन दरवाजा जाई हुआ बनाए ना और युज भाई भाई साहब आगे भैंस और आज भाभी जी पौड़ा बेटे घर नहीं आए ना तो भैंस दिन भर भीतर से और भाई साहब तय यो चिंता सतने चाहिए अभी तक तो अभी लगभग 5:45 बजे भाई साहब बाखरा लेके आए तो सबसे पहले उन्होंने भैंस भैर बांध और युज भाई भाई सब आएगी थोरी ये थोरी
बोन बटिन भाई सारा गुर बचलो ना बे घोरे एक मो पैनी खाओ च तुख मजा आऊंगा अभी पानी पीने।